Good morning, children. Now we are going to do our lesson number 5, that is our first school home part 1. हम लोग वैसे स्कूल में आने से पहले बहुत सारी चीजें वैसे घर से ही सीख के आते हैं. तो हमारी फर्स्ट स्कूल कौन सी हुई? हमारा घर, हमारा होम. और हमारे घर में कौन कौन रहते हैं? पहले तो मैं घर में आपको ट्री के बारे में, हमारा फैमिली ट्री के बारे में बात करूँ तो पहले ही आते हैं हमारे ग्रैंड पेरेंट्स, दादा दादी नाना नानी. ठीक है, दादा दादी है तो उनके बेटे यानी हमारे पापा, वो फादर हुए हमारे. नाना नानी की बेटी, वो हमारी मदर हुई. ठीक है, अब हम लोग आए सेंटर में. अब हमारे साथ अगर हमारा पापा मम्मी का अगर कोई बेटा है तो वो होगा हमारा ब्रदर, और अगर कोई बेटी है तो वो होगी हमारी सिस्टर. और ये जो मैंने कुछ लिखा हुआ है वो क्या है? वो सारी क्वालिटीज, गुड चीज जो हमें अपनी घर से ही सब जानने को मिलता है, घर से ही सीखने को मिलता है. पापा क्या करते हैं? हमारी नीड्स को फुलफिल करते हैं. ठीक है ना. मम्मी क्या करती है? पूरे घर का, हमारा और सबका केयर करते हैं. ग्रैंड पेरेंट्स क्या करते हैं? हमें हमारे कल्चर के बारे में समझाते हैं कि हमारा कल्चर क्या है, उसको हमें समझाते हैं. ठीक है, और हमारे ब्रदर और सिस्टर से हम क्या सीखते हैं? शेयरिंग करना सीखते हैं. तो ये पूरा अगर एक हो जाए तो वो क्या बन जाता है? हमारा होम, हमारा घर, हमारा फर्स्ट स्कूल. ये है जहां से हम सारी चीजें सीखते हैं. दूसरा, हम अपने होम में से, हमारे फैमिली मेंबर्स से हम क्या सीखते हैं? व्हाट वी लर्न फ्रॉम आवर फैमिली. ये हमारा फर्स्ट स्कूल है. ठीक है, जहाँ पे हम फिजिकल एंड मेंटल दोनों ही एक्टिविटीज सीखते हैं. परस्यू अवर क्यूरियोसिटी. आप लोग जब पहली बार कुछ आपने सीखा होगा, देखा होगा, वो कहाँ से? हमारी क्यूरियोसिटी हमने किसने फुलफिल किया? वो है हमारी फैमिली. फर्स्ट टाइम टू वॉक, टू टॉक, टू शेयर, टू केयर एंड गुड मैनर्स. ये सारी चीजें हम अपनी फैमिली से सीखते हैं. बड़े भैया बड़े दीदी को लिखते हुए देखा, चलते हुए दौड़ते हुए खेलते हुए दिखा, तो हम लोग उनके साथ साथ दौड़ना खेलना शुरू कर देते हैं. ठीक है, तो ये सारी चीजें हमें किसने सिखाई? हमारी फैमिली ने. तो हमारा फैमिली हमारा फर्स्ट स्कूल है. और बहुत सारी चीजें हैं, जैसे जैसे लेसन आता जाएगा मैं आपको समझाती जाऊंगी. नाउ वी विल रीड अवर लेसन नंबर 5, अवर फर्स्ट स्कूल होम. अवर होम इज अवर फर्स्ट स्कूल. मेंबर्स ऑफ होम आर अवर फैमिली. हमारा फर्स्ट स्कूल कौन सा होता है? हमारा घर. अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके स्कूल का नाम क्या है तो आप फटाक से बोलोगे वीबीवी विद्यालय, विद्युत बोर्ड विद्यालय, है ना. लेकिन इसके भी पहले आपका जो स्कूल था, जहाँ से आपने सब पहली पहली चीज़ें सीखी हैं, वो होता है आपका घर. और आपके फैमिली के मेम्बर्स होते हैं आपके टीचर्स. वी लर्न so many things from our family much before we learn from anywhere else. कहीं और से हम कुछ सीखे उसके पहले ही हम लोग अपनी फैमिली से सारी पहली चीज़ें सीखते हैं. आजू बाजू में से सीखो उसके पहले ही आपका घर ही आपका सबसे पहला स्कूल होता है. आप वहीं से वो सब चीज़ें सीखते हो. आपकी मम्मी आपको लोरी सुनाती है तो वही सब गुनगुन नाहट्स को आप सुनकर क्या सीखते हो? बहुत सारे वर्ड्स सीखते हो. आपके घर में सब लोग आपको पहली पहली जब बार आप लैंग्वेज सीखे थे, आप बोलना सीखे थे, तो आपको बहुत सारी चीज़ें आपके घर के लोगों ने ही सिखाई. बहुत सारे वर्ड्स आपके घर के लोगों ने ही आपको सिखाए. पापा ने उंगली पकड़ के चलना सिखाया, बा दादा ने आपको आपके जो मैनर्स है उसको सिखाया. बहुत सारे भजन कीर्तन या जो भी आपके कल्चर है वो सब आपको दादा दादी सिखाते हैं. ठीक है, अब क्यों ऐसा होता है? दिस इज बिकॉज वी आर सो क्लोज टू अवर फैमिली. क्योंकि हम अपनी फैमिली से और फैमिली मेंबर्स के बहुत ही करीब होते हैं, इसलिए हम सारी चीज़ें उनसे ही पहले सीखते हैं. लेट अस थिंक अबाउट अवर फैमिली एंड टॉक अबाउट इट. अब हम अपनी फैमिली के बारे में देखते हैं, सोचते हैं और बातें करते हैं. और यहाँ पर एक जो आपको ब्लैंक दिया गया है, वहाँ पर आपको क्या करना है? यू हैव टू पेस्ट अ पिक्चर ऑफ योर फैमिली या ड्रॉ करो.
हमारे पापा मम्मी यानी हमारा प्रोटेक्शन, हमारा केयर और बहुत सारी चीज़ें जो हमारी नीड्स को भी समझते हैं, बगैर कुछ बोले भी वो समझ जाते हैं कि हमको क्या चाहिए। और हमारे घर के बाकी बर्स, चाचा चाची, दादा दादी, कजिन्स, बुआ, मासा मौसी, बहुत सारे हमारे ऐसे रिलेटिव्स हैं जो हमारे यहाँ पे ओकेजनली ही सही लेकिन आते हैं, फंक्शंस पे आते हैं, ओकेजन्स पे आते हैं, फेस्टिवल्स पे आते हैं, ठीक है। और फिर हम उनसे भी बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि दादा दादी हमको स्टोरी सुनाते हैं, चाचा चाची हमारे लिए कुछ लेकर आते हैं या हमारे साथ खेलते हैं, बहुत सारी बातें करते हैं, बुआ होगी वो भी हमारे साथ बहुत सी बातें हम उनके साथ शेयर करते हैं। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि जो छोटे हमारे कज़िन्स होते हैं वो हमारे साथ रहते हैं तो हमें ज़्यादा अच्छा लगता है और हम लोग उनके साथ खेलते हैं। ओके, नाउ ऑन पेज नंबर 33 वी आर गोइंग टू डू आवर एक्सरसाइज। ओके, नाउ जस्ट थिंक हु ऑल आर देयर इन योर फैमिली। आपकी फैमिली में कौन कौन है? Write their names and how they are related to you. यहाँ पर आपको लिखना है कि आपकी फैमिली में कौन कौन है और उनका आपसे रिलेशन क्या है, ठीक है। Who all are there in your family? Write their names and how they are related to you. मैंने यहाँ पर लिखा है, मैंने आपको रिलेशनशिप्स लिख के दी है। वॉट यू हैव टू डू इज यू हैव टू राइट डाउन देयर नेम। ओके, नाउ हियर फादर, आपके पापा का नाम आपको ये वाली ब्लैंक में लिखना है, ठीक है। मदर, मम्मी का नाम। ब्रदर, भाई का नाम। सिस्टर, सिस्टर का नाम। ग्रैंडफादर, दादाजी का नाम। ग्रैंडमदर, दादी माँ का नाम। मैंने रिलेशनशिप्स लिख के दिए हैं आपको, आपको उनके नाम आपके फैमिली मेंबर्स के नाम यहाँ पे लिखने हैं। यू कैन आस्क टू योर एल्डर्स, जो भी नेम्स है आप उनको प्रॉपर स्पेलिंग में अपने पापा मम्मी से पूछकर लिख सकते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट, राइट द रिलेशनशिप्स बिटवीन एनी टू मेंबर्स ऑफ योर फैमिली सच एज हस्बैंड वाइफ, ब्रदर सिस्टर, मदर डॉटर एक्सेट्रा। देखो यहाँ पर है रमेश भाई, ये नाम किसी और की फैमिली से लिखा हुआ है और ये है रूपल, ठीक है। अब रमेश भाई और रूपल कौन है? अंकल एंड नीस, चाचा भतीजी, ठीक है, चाचा भतीजी। तो ये दोनों का रिलेशनशिप हुआ। जैसे अब यहाँ पे आपको क्या लिखना है, आप अपने अंकल का नाम लिखो, चाचा जी का नाम, ठीक है, और फिर आपका नाम लिखो, तो वो भी क्या हो जाएगा, अंकल एंड नीस। अच्छा, यहाँ पे आपकी मम्मी का नाम और यहाँ पे आपके पापा का नाम, तो वो कौन हो जाएंगे, हस्बैंड एंड वाइफ, ठीक है। फिर आप क्या करोगे, यहाँ पे आपका नाम लिखो, फिर आपके भाई का नाम लिखो, अगर सिस्टर है तो सिस्टर का नाम लिखो, तो आप यहाँ पे क्या हो जाएंगे, ब्रदर सिस्टर, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये रिलेशनशिप्स के बारे में लिखना है और वो भी आप क्या करोगे, अपने पेरेंट्स से पूछकर लिखना है, ठीक है। जस्ट लाइक मैं यहाँ पे किसी ब्रदर और सिस्टर का नाम लिखना है मुझे यहाँ पे, ठीक है, और उसकी रिलेशनशिप क्या होगी, ब्रदर एंड सिस्टर। जैसे मैं यहाँ पे अपना नाम लिखूँ और यहाँ पे मैं अपने भाई का नाम लिखूँ यानी ब्रदर का नाम, तो हम दोनों के बीच में रिलेशनशिप क्या हुई, तो ये हो जाएगा सिस्टर ब्रदर, ठीक है, सिस्टर ब्रदर। अच्छा, यहाँ पे जैसे मैं अपना नाम लिखूँ, यहाँ पे मैं अपने बेटे का नाम लिखूँ,
तो हम दोनों के बीच में कौन सा रिलेशनशिप होगा? मदर एंड सन, मदर एंड सन। वैसे ही आप अपनी मम्मी का नाम लिखो और आपका नाम लिखो। अगर आप गर्ल हैं तो यहाँ पे क्या होगा? मदर एंड डॉटर। और अगर आप बॉय हैं तो यहाँ पे क्या होगा? मदर एंड सन। तो इस तरह के रिलेशनशिप्स के बारे में आपको लिखना है, ठीक है? आप अपने दादाजी का नाम लिख के अपना नाम लिखो तो क्या हो जाएगा? ग्रैंडफादर एंड ग्रैंड सन या ग्रैंड डॉटर, ठीक है ना? तो इस तरह से आपको रिलेशनशिप्स के बारे में लिखना है, अपने घर के रिलेशनशिप्स के बारे में। गॉट इट? ओके, नाउ नेक्स्ट। टेल, थिंक एंड टेल, थिंक एंड टेल। What is the question? Our first question. What is your nickname? What is your nickname? ये nickname क्या होता है पता है? आपके घर में जो आपका असली नाम है उसके बजाय किसी और नाम से आपको बुलाया जाए उसको बोलते हैं nickname। जैसे यहाँ पे है ना, what is your nickname? छोटू, गुड्डू, मुन्नी, बेबी, लालू, चक्कू, कोई भी नाम हो सकता है। आपको आपके नाम से, आपके पापा मम्मी आपको किस नाम से बुलाते हैं? हाँ, अगर रियल नेम से बुलाते हैं तो अलग बात है, लेकिन अगर कोई निक नेम है आपका तो आप लोग वो यहाँ पे लिखोगे। ये तो मैंने ऐसे ही एग्जांपल्स दिए हैं, ठीक है ना? तो आप लोग यहाँ पर अपना निक नेम लिखोगे। बाय वॉट नेम Do your family members call you lovingly? यानी आपको प्यार से क्या बुलाता है, क्या बुलाते हैं? बेटी, बेटा, बाबू, बच्चू, है ना? तो ऐसा कोई भी नाम जो आपके मम्मी और पापा, दादा दादी आपको बुलाते हैं वो आपको लिखना है। How do you call your family members? आप अपने फैमिली मेंबर्स को कैसे बुलाते हो? ठीक है, जैसे मैं बोलूँ, अगर फादर की बात करूँ तो कोई अपने फादर को पापा बोलते हैं, कोई डैडी बोलता है, कोई बाबा बोलते हैं, कोई अब्बा बोलते हैं, और मदर को मम्मी, माँ, मॉम, अम्मा, अम्मी, आई, ये अलग अलग नाम से सब अपने घर में बुलाते हैं। तो आप अपने मम्मी पापा को कैसे बुलाते हो वो लिखना है। इवन आप दादा दादी को कैसे बुलाते हो, दादा दादी बोल के बुलाते हो या दा या दादू या क्या बुलाते हो वो आपको यहाँ पे लिखना है। बात आप अपने घर में अपनी बहन को, ये जो क्वेश्चन का आंसर ये जो है वो आगे के आंसर के लिए है ना? आप अपने बहन को क्या बुलाते हो? दीदी, बहन, दी, ताई, एक्सेट्रा। अच्छा, नेक्स्ट है, आप अपने ब्रदर को क्या बुलाते हो? भैया, ब्रो, भाई एंड अन्ना। ये जो मैंने आंसर्स लिखे वो किसके लिए लिखे हैं? थर्ड वाले क्वेश्चन का आंसर है, यानी आप अपने फादर को क्या बुलाते हो, मदर को क्या कह के बुलाते हो, सिस्टर को क्या कह के बुलाते हो, ब्रदर को क्या कह के बुलाते हो, वो आपको ये वाली जगह पे लिखना है, ठीक है? ये जो क्वेश्चन है वो हमारे नेक्स्ट पेज के लिए है। तो आज हमने क्या देखा? हमारी फैमिली के बारे में, और वहाँ से हमने क्या क्या सीखा, कौन कौन मेंबर्स है और वो हमारे लिए क्या करते हैं, वो सारी चीज़ें हमने सीखी। तो हम अब आगे के सेक्शन में देखेंगे अलग अलग फैमिलीज के बारे में कि फैमिलीज क्या है और उसको हम कैसे कंसर्न करते हैं, ठीक है? तो तब तक के लिए बाय।